I'm sorry, sir. लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी. हाँ ना, अगर तुम्हारा यही फैसला है ना तो मेरा फैसला भी सुन लो. या तो तुम स्टेटमेंट दोगी या इस घर से निकल जाओगी. मेरी आना है ही नहीं. मेरी आना के अंदर इतना ईगो कभी था ही नहीं. अगर मैं उसे कुछ करने को बोलता तो जरूर करती. तुम मेरी आना नहीं हो एंड आई हेट यू. मेरी आना मेरी फैमिली से प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती थी. ना तो मुझसे प्यार करती हो ना मेरी फैमिली से. इसलिए प्लीज जस्ट लीव अस अलोन. मेरे घर आ जाओ. तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी. और आज रौनक का बर्थडे है, हम लोग एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें एंजॉय करना है, म्यूजिक सुनना है, पार्टी करनी है. आप सब चलिए अंदर, हम एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे. चलिए तू अंदर, चलो अंदर चलिए. हाउ स्वीट ऑफ यू बेबी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. मैंने अपना मन बना लिया है, अब पूरी जिंदगी उस इडियट के साथ रहना पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. और वैसे भी वो अंकिता भी इस घर में नहीं है. वो नरेन है ना पागल, उसने उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया. अब मुझे बस अपने हस्बैंड को झेलना पड़ेगा. आई नो आई एम टू अनलकी फॉर माई मैरिज कि मेरी शादी इस कमीने के साथ हुई है. हेलो, किससे बात कर रही हो? उसी से जिसने एक मासूम लड़की का रेप किया है. मैं पूछ रहा हूँ बात किससे कर रही हो किन्नरी? कितने डरते हो ना तुम. उस वक्त डर नहीं लगा था जब तुमने मानसी का रेप किया था? प्लीज वहीनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने आया बैग. प्लीज स्टेटमेंट दे दीजिए प्लीज. जाओ आना, तुम्हें अच्छा लग रहा है? मेरी पूरी फैमिली ऐसे तुम्हें प्लीज प्लीज कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. क्योंकि जब से तुम आई हो ना मैं ऐसे डिवाइड हो गया हूँ अपनी फैमिली और तुम्हारे बीच में. आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी. अगर तुम्हारा यही फैसला है ना तो मेरा फैसला भी सुन लो. या तो तुम ये स्टेटमेंट दोगी या फिर इस घर से चली जाओगी. ब्रो, वहीनी को आपने घर से निकाल दिया, आर यू फाइन? तो क्या हो गया उससे? आई डोंट केयर. अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी फैमिली से प्यार नहीं करती, तो मैं भी उससे प्यार नहीं करता. और रौनक, मुझे इस मूड में नहीं रहना, मुझे अपना मूड चेंज करना है. तुम्हारा बर्थडे है, हमें एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है. आई वांट टू हैव अ पार्टी, लेट्स एंजॉय. म्यूजिक ऑन कराते, म्यूजिक ऑन करो. म्यूजिक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज जैसी जुल्फें थी अब पूरी नागिन वो, हाँ उसने मुझको आती एवरी डे. थी चांद कभी अब तारे दिखलाती है एवरी डे. थी जान मेरी अब जान जलाती है जी एवरी डे. तेवर बन गए जेवर जिस दिन से कर आई वो, चलती मैडम खाता ठोकर में, और अप्पा मेरे बाहर सा...
घर पे नौकर मैं, देखो जी कैसे रिंग मास्टर से बन गया जोकर मैं। सुपरमैन से कहती सुपर से ऊपर नहीं, कोई भी इसको ना खुश कर पाया। हो पापे ब्याह करके, हो पापे शादी करके, पछताया मैं ब्याह करके। मुझे लगता है गाना ना स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया। रियली मुझे लगता है ब्याह करके तो मैं पछता रही हूँ तुम्हारे साथ। ताई तू क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई है? दे देती स्टेटमेंट तो क्या हो जाता तेरा? इस केस में अब कुछ नहीं बचा है, हम हार चुके हैं ये केस। तू अगर आज स्टेटमेंट दे देती तो कम से कम तेरी गृहस्थी तो बच जाती ताई, तेरे और जीजू का रिश्ता तो बच जाता। कैसे मैं अपना रिश्ता बचा लेती मानसी, तुझे दांव पर लगा कर। मैं नहीं बोल सकती झूठ मानसी, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती थी मानसी। और जहां तक नरेंद्र सर का सवाल है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मनु अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देती तो ये हो जाता कि मैंने केस वापस ले लिया, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। और प्लीज़ मुझे इन बातों पे कोई डिस्कशन नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे रौनक को सज़ा दिलानी है और मैं दिलाकर रहूँगी। कैसे दिलाएंगे सज़ा? कैसे दिलाएंगे ताई हम उसको सज़ा? हमारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, हम इतनी कोशिश कर चुके हैं और लाख कोशिश और कर ले तो भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ताई, जिस बहन का कोई भविष्य ही नहीं है उसकी वजह से तू अपनी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रही है? भले ही से हमारे पास कोई सबूत ना हो मानसी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है, चाहे उसे कितनी भी छुपाने की कोशिश करो। अंकिता, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं समझ सकती हूँ, मगर कोर्ट में ये फिलॉसफी नहीं चलेगी, हमें सबूत पेश करने होंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम केस जीत सके। मैं जानती हूँ मैम, हो सकता है कि हम ये केस हार जाएंगे, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इस कोर्ट में नहीं जीते तो क्या हुआ, हम हायर कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही मनु तुझे हार मानने दूंगी। ये तेरी परीक्षा का वक्त है, तुझे परीक्षा देनी होगी। और जहां तक नरेंद्र सर का सवाल है मानसी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, ऐसा समझ ली जैसे जैसे मेरे भी परीक्षा देने का वक्त है। समझ लेना, हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ना मैं हार मानूंगी और ना तुझे हार मानने दूंगी। सुपर हिट पिक्चर होगी, वैसे भी फरहान अख्तर मेरा फेवरेट एक्टर है, देखने जरूर जाऊंगा। हेलो, हाँ काम चल रहा है, बस मैं सीडी बना रहा हूँ, डोंट वरी। ये पागल अभी तक सोया नहीं? आज तो कमाल हो गया बॉस, अपनी आहाना को हाथ पकड़ के खुद इसने घर से बाहर निकाला। लेकिन isn't it a bit weird कि इतना कुछ होने के बाद भी नो अटैक नो तमाशा? बॉस समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू फाइंड इट आउट। हे ब्रो, क्या कर रहे हो? मैं ये
नहीं, आई मीन इतनी रात को लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? गाने सुन रहा था वो, हैरी इज नॉट अ ब्रह्मचारी। लैपटॉप, इस पे क्या कर रहे हो? स्टॉक मार्केट अपडेट, इतना पेंडिंग काम जो है, फैमिली में ये सब चल रहा था और काम पे ध्यान ही नहीं किया, सो मच ऑफ बैकलॉग। अब तुम फ्री हो जाओगे ना, मेरी हेल्प करना प्लीज। कोर्स ब्रो, एक बार मैं आ जाऊंगा, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। छाधारी, आई लव दिस सॉन्ग। ब्रो, आर यू फाइन? या क्यों, क्या हुआ? नहीं, आई मीन आना वही नहीं, घर छोड़ के चली गई। वो छोड़ के नहीं गई है, मैंने उसको निकाला है। Because she was at fault. उसने गलत किया था, वो छोड़ के नहीं गई है, मैंने निकाला। दो अलग अलग चीजें। Because I have an upper hand. I threw her out. Right. You know you are Naren Karmarkar, the genius. Right? Anyways bro, चलता हूँ मैं। Okay, good night. और याद रखना सुबह जल्दी उठना है, कोर्ट की लास्ट डेट है। Sure man, see you in the morning. मानसी चल जल्दी आ। नहीं सर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अपने ससुर जी से मिलने आया हूं। आपने लोगों का उधार लिया हुआ है ना, वापस कर दीजिए, किसी का हिस्सा मारना अच्छा नहीं होता। और पैसे चाहिए तो बताना, मैं और भी दे दूंगा। नहीं सर, लेकिन ये सब मैंने कहा ना, मुझे आना से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है और पर्सनल बात करनी है, कुछ सीक्रेट है। अंदर बात करें, आइए आइए। पापा क्या बोले तुम? सोच लीजिए, एक स्टेटमेंट और लाखों का फायदा, इतना अच्छा प्रॉफिट तो कोई बिजनेस नहीं देता ना। बोलना कहा है, बोलना कहा है? बस इतना ही बोलना है कि रौनक बेगुना है और मानसी ने गलत इल्जाम लगाया। बस बस इतना ही कहना है ना? हाँ। अरे इतने पैसों के लिए हम अपने खिलाफ गवाही दे दे, अपने खिलाफ बात करते है कितने दिन लीजिए। पापा भी कैसा कर सकते? अरे अंकिता, हमारे को मत सिखाई सब, कोर्ट कचहरे का चक्कर हमें समझ में नहीं आता है, आज नहीं तो कल वैसे भी हार जाएंगे। पैसा देखा है कितना है इसके पास, बात करते है। हम कहते हैं तू भी इतना पैसा ले ले, मानसी की जिंदगी सुधार दे, आने वाली इज्जत के बदले बहुत पैसा ही। हम चलते हैं, जाया दे, जाया दे रे। बाबा अगर आपको ये सब करना ही था तो कम से कम हमारे पीठ पीछे करते, हम इस गलत फहमी में तो रहते कि आप हमारे लिए बदल रहे हैं। उस दिन एक पल के लिए मुझे लगा कि आप सच में बदल गए हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं इतना गलत थी। आप कभी नहीं बदल सकते, आपके लिए हमेशा पैसों की अहमियत ज्यादा रहेगी और रिश्तों की कुछ भी नहीं रहेगी। जाएगा बाबा, एक सेकेंड, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुनकर जाइए। आज तक आपने चोरी की, शराब पीकर घर आते थे, पता नहीं क्या क्या गलत काम किया, लेकिन हमेशा आपको माफ किया है हम लोगों, लेकिन आज आज आपने आपकी बेटी की इज्जत का सौदा किया, जिसके लिए आपको कभी कोई माफ नहीं कर सकता, समझे आप? दिल तोड़ दिया आज आपने, दिल तोड़ दिया। तो पापा ने बेशर्मी की सारी यादें पार कर दी, रात में इतना कर जाएगा, मुझे सर मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रशांत जाने देने, इन्होंने आज तक बाबा होने का कभी कोई फर्ज निभाया जो आज निभाएंगे? एक सेकंड नरेंद्र सर, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की, सारी दुनिया मुझसे कहती रही कि नरेन करमरकर पागल है, लेकिन मैंने कभी उनकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल ने कभी इस बात को नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा पति जैसा भी है, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो भोले, वो दुनियादारी नहीं जानते। लेकिन आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन निकले, आपने तो सौदा कर दिया मेरी बहन का, एक बार नहीं सोचा कि मानसी को कैसा लगेगा, उसकी इज्जत का सौदा कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपको आपके भाई को सही प्रूफ करना था कि उसने उसने रेप नहीं किया, इसलिए आपने आके यहाँ मेरे बाबा को खरीद लिया। ये कैसा रिश्ता है हमारा सब? मुझे लगा आप रिश्तों को समझते हैं, आप वचनों को मानते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ आईपैड में लिखने से वचन पूरे नहीं किए जाते, उन्हें निभाना पड़ता है। ये निभाया आपने, शायद आपके इन वचनों में से भी एक होगा कि आप मेरे परिवार को इस तरह की तकलीफ दे। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। अब
आपको लगता है आपका भाई सही है, उसने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं आपके साथ खड़ी रही। लेकिन आज आज आपने मेरे बाबा को पैसे दिए, उन्हें खरीद लिया। इसका मतलब यही है नरेंद्र सर कि आप असलियत अच्छे से जानते थे। आप जानते थे कि रौनक ने बलात्कार किया है और फिर भी आप मानसिका नहीं रौनक का साथ दे रहे। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती। माय लॉर्ड, अदालत की पिछली सुनवाई में मैंने सारे सबूत सारे गवाह पेश कर दिए थे, जिससे यह प्रूव हो गया था कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक बेकसूर है। वारदात के समय वो विक्टिम के घर नहीं बल्कि उनकी बीवी के साथ होटल रॉयल पैलेस में थे। मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। फाइनल डिसीजन आई लीव टू यू। थैंक यू सो मच। अब तक मिले सबूत से यही साबित होता है कि एक केस एक मनगढ़ंत और फेक केस है। आज से 4 दिन पहले इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट की सारी सिंपति मानसी मात्रे के लिए। एक गरीब लड़की को न्याय दिलाने का अदालत ने मन बना लिया था, लेकिन आज तो पूरा केस ही उलट चुका है। हमारी सरकार महिला की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बना रही है, लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है, महिला एक कड़े कानून का गलत फायदा उठा रही है। हमारे संविधान के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए और हमारे समाज के लिए ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। मानसी मात्रे और अंकिता कर्मकर, इनकी हरकत के लिए अदालत कड़े शब्दों में उसकी आलोचना करती है। और मिस्टर रौनक कर्मकर को बेगुनाह मानते हुए ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। ये बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई भी इंसान इज फ्री टू गो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है बाहर जाके। माय लॉर्ड, मिस नरेंद्र की दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रूव दिस टू द कोर्ट। इट्स ओके, इन्हें बोलने दीजिए। आप सही सोच रहे हैं, बाइज्जत बरी होने का मतलब है पूरी आजादी। तो ठीक है, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाए, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहूंगा। क्या मुझे इजाजत है? कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। अब क्या बोलने जा रहे तू? द केस इज इन आवर फेवर, हम जीतने जा रहे केस। इसमें तुझे क्या बोलना है तू मुझे बता, मैं बताऊंगा कोर्ट में। मिस्टर शेखर, लेट हिम स्पीक। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। थैंक यू। लॉर्ड शेखर, रौनक के लॉयर, वो ये बात प्रूव कर चुके हैं कि मैं पागल हूं। मेरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, इनफैक्ट मेरे खुद के घर वाले। ऑफिस वाले जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो सब यही बोलते हैं मेरे सामने या कभी कभी मेरी एब्सेंस में। और मेरा भी यही मानना है कि मैं पागल हूं। लेकिन मैं एक पागल जीनियस हूं। मेरे पागलपन का नाम है बाइपोलर, यानी कि पोल्स अपार्ट। मैं एक पल कुछ सोचता हूं तो दूसरे ही पल कुछ और, लेकिन मैं जो भी करता हूं ना उसमें पूरा मन लगाता हूं और अपने पूरे दिमाग से करता हूं। 100% दिमाग यूज करता हूं। कोई भी नॉर्मल आदमी सिर्फ 40-45% ब्रेन यूज कर पाता है, लेकिन मैं अपना 100% ब्रेन यूज कर सकता हूं, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को पूछेंगे कि साल में कितने महीने होते हैं, वो बोलेंगे 12, और कितने दिन होते हैं तो 365। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एक साल में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड भी होते हैं। यही है मेरा पागलपन, क्योंकि मैं एक जीनियस भी हूं, सिर्फ पागल नहीं। और मेरी यही सोच और यही पागलपन की वजह से मुझे कुछ चीजें मिली हैं
जो मैं कोर्ट पे पेश करना चाहता हूँ। देखिए, आप इस तरह कोर्ट के सामने कुछ पेश नहीं कर सकते। मैं आपका लॉयर हूँ, अगर आपको कुछ भी पेश करना है तो पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा। मिस्टर शेखर प्लीज, अब आप उन्हें बोलने से नहीं रोकेंगे। कोर्ट में हर इंसान को बोलने का पूरा हक है। मिस्टर नरेन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू योर ऑनर। एक्चुअली मेरे दिमाग में चार कंफ्यूजन है और ऐसी कंफ्यूजन किसी नॉर्मल आदमी को भी हो सकती है। मैं तो फिर भी पागल हूं, तो मैं आपको एक एक करके एक कंफ्यूजन बताता हूं। पहले तो मैं अपनी वाइफ आहना से बहुत अपसेट हूं। उसने मेरे छोटे नादान भाई पर एक संगीन इल्जाम लगाया, उसे रेपिस्ट कहा। मुझे नहीं लगता कि रौनक किसी का रेप कर सकता है। ऐसा मैं कल तक सोचता था, लेकिन ये चार चीजों की कंफ्यूजन के बाद अब मेरा नजरिया बदल गया।